नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के PSC अड्डा चैनल पर। और मैं भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आज फिजिक्स का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले हम जो फिजिक्स का ठीक है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट कर चुके हैं, उसमें हमने 10-10 के क्वेश्चन डिस्कस किए, तो एक बार आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम थोड़ा बंच में और लगभग 50 क्वेश्चन लेके आए आपके लिए फिजिक्स के, और इनमें जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है ठीक है, उन एग्ज़ाम में जो भी वगैरह ऐसे हुए हैं उनके हिसाब से हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। और उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है ठीक है वो हमने काफ़ी हाई रखा है, मतलब अधिकांश क्वेश्चन आपको कूट में मिलेंगे जो एग्ज़ाम से, जैसे कि MPSI की बात कर लेते, MP पुलिस या SSC CHSL, और यहाँ पर ठीक है आपको दिख रही होगी ये क्वेश्चन इतने लेवल के आप PSC NTPC SSC MPSI और जो भी ठीक है फॉरेस्ट गार्ड FCI वगैरह, इस सब में आपके क्वेश्चन यहाँ से काम आ जाएंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो क्वेश्चंस एक्चुअल में आपके एक क्वेश्चन में एक नहीं जबकि हम 2 से 3 क्वेश्चन उसमें कवर करेंगे ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि जब एक कांच के उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है, इसका कारण क्या होगा। देखिए तो इसका आंसर होगा आपका बी वाला, कांच का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम होगा। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर अपवर्तनांक क्या होता है, ये जो चीज़ है आखिर क्या होता है, फिजिक्स में सुना भी है लेकिन कभी समझ नहीं आता। देखिए अपवर्तनांक को आमतौर पर हम म्यू से दर्शाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल ठीक है बटे माध्यम में प्रकाश की चाल ठीक है। अब इस फॉर्मूले से जैसे चलिए इसे समझते हैं, मान लिया कि कोई भी पदार्थ है और किसी भी पदार्थ में अगर म्यू का मान ज़्यादा है ठीक है तो उस माध्यम में हमेशा प्रकाश की चाल कम रहेगी ठीक है। मतलब ये कि ये हमेशा किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के लिए उल्टा काम करता है। जैसे कि हम बात करते हैं आमतौर पे ठीक है कि पानी और कांच ठीक है, इन दोनों में से किस में प्रकाश की चाल अधिक रहेगी, तो वो आपकी रहेगी पानी में और उसके बाद रहेगी कांच में ठीक है। क्योंकि जो कांच का अपवर्तनांक है वो 1.5 म्यू है जबकि कांच का सॉरी पानी का है 1.3 के आसपास। तो आप देखिए इनमें से कम इसका है तो प्रकाश की चाल इसमें अधिक है। अब थोड़ा इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्या कहना चाहता है कि कांच का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम होगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ बात कही गई थी कि उत्तल लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लग जाए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कुछ ऐसी कंडीशन है कि जो कांच का अपवर्तनांक अगर द्रव के अपवर्तनांक से कम हो तो सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में आपके जो लेंस रहेंगे ना, ध्यान सुनिएगा इसको और नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में, कि जो लेंस रहेगा जो उत्तल रहेगा वो अवतल की भांति व्यवहार करेगा ठीक है। इस कंडीशन में जब आपके उस पदार्थ का अपवर्तनांक उस द्रव के अपवर्तनांक से कम हो और उसे उस द्रव में डुबाया जाए तो हमेशा उत्तल अवतल की भांति और अवतल उत्तल की भांति व्यवहार करेगा। बची आपकी यहाँ पर जो दो कंडीशन है ये वाली और ये वाली, तो इसमें थोड़ी क्षमता और फोकस दूरी पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन इन दोनों कंडीशन में लेंस की जो प्रकृति होती है, मतलब उत्तल है तो उत्तल ही रहेगा और अवतल है तो अवतल ही रहेगा ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के साथ में अपवर्तनांक जाना और इसके साथ में ये दो चीज़ें क्या है ये भी हमने यहाँ पर जानने की कोशिश करी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है ठीक है। देखिए जो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास में बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार पर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आई है गुरुत्व केंद्र, ये क्या होता है। देखिए आमतौर पर गुरुत्व केंद्र एक ऐसी चीज़ होती है किसी भी वस्तु की जिसमें उसका समस्त भार कार्य करता है। हमारे मनुष्य के लिए हमारी बात करते हैं तो हमारे नाभि में हमारा सारा गुरुत्व केंद्र होता है ठीक है, और उसी के कारण एक ऊर्ध्वाधर रेखा है जो बिल्कुल बीचों बीच से जाती है जो हमें एक सेंटर प्रोवाइड करती है और हम खड़े रह सकते हैं ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हम घाटी पर अगर कभी चढ़ते हैं ठीक है तो हम आमतौर पर झुक जाते हैं, उसका रीज़न है कि हम अपना गुरुत्व बैलेंस बना के उस लाइन को इस जगह ले आते हैं, या जब हम घाटी उतर रहे तो उतरते हैं तो थोड़ा सा हम पीछे की ओर झुक जाते हैं ठीक है। तो उसका भी रीज़न क्या है कि हम अपना गुरुत्व केंद्र बैलेंस बनाते हैं। अब देखिए कोई भी अगर साइकिल सवार है ठीक है और अगर वह मुड़ रहा है तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ का जो गुरुत्व केंद्र है उसे उस मोड़ पर क्या करता है, एक आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान कर देता है ठीक है।
जिसके कारण से वो वृत्ताकार मार्ग में अपनी गति बनाए रखता है। अगर यहाँ पर उसे अभिकेंद्री बल नहीं मिलेगा तो इतना गारंटी है कि वो उस दूर चला जाएगा और गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुरुत्व केंद्र का कॉन्सेप्ट है वो भी ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर यह गुरुत्व केंद्र क्या करेगा, उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको अच्छे समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप्स का है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, और ये तो NTPC 2014 का भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, तो इसे अच्छे से देखिएगा। देखिए, 2000 किलोग्राम की एक बस दिल्ली से जयपुर जाते समय 5 मीटर प्रति वेग से गतिमान है, कुछ समय बाद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान हो जाती है, तब निम्न कथनों में विचार कीजिए कौन सा सही, ठीक है। तो यहाँ ये पहले से हाईलाइट है आपके सामने, यहाँ का आंसर है आपका फर्स्ट वाला, दूसरा और तीसरा दोनों सही। देखिए, यहाँ पर एक जो चीज़ आई है आपके सामने, ठीक है, वो ये वाली ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो बस गतिमान है और इस गति के कारण इसमें एक चीज़ आएगी, वो रहेगी आपकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है उसी से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, और फॉर्मूला होता है 1/2 mv². देखिए, कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर मान रखने हैं सिर्फ, जैसे कि 1/2 एम का मान आपके पास में कितना है, 2000 किलोग्राम, तो आप यहाँ पर 2000 किलोग्राम रख दीजिए, और वी स्क्वायर मतलब, ठीक है, यहाँ पर वेग अब कितना हो गया, 5 से 10 में चेंज हो गया, ठीक है, तो वेग 10 × यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है, अगर आप इसे काटने जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप ओवरऑल जो गुणा करेंगे उससे ये पी बराबर, मतलब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, और ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, तो ओवरऑल गति ऊर्जा आपकी कितनी हो जाएगी, ये, ठीक है, ये जो नंबर्स दे रखा है इसके बराबर 1 लाख के आसपास में हो जाएगी। दूसरा जो इसका आंसर है, मतलब दूसरा एक और ये भी सही है कि गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि पहले 5 मीटर प्रति सेकेंड से था और इसका वेग बढ़ के अब कितना हो गया, 10 मीटर, मतलब वेग दुगुना हो रहा है, और इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, जो गतिज ऊर्जा का है, ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा के लिए, तो वेग दुगना करने पर हमेशा गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है, ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, तो हमारे ये वाला और ये वाला दोनों यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। तो जो भी अधिकांश अगर आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं तो ये ज़्यादा टफ नहीं होते, बस इसमें आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए और ये आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो PCS का है ना, उत्तर प्रदेश PCS 2014 का क्वेश्चन है, उसमें आया था कि अगर यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत निकट लगता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बहुत सी बार होता है कि जब बाल्टी की बात करते हैं तो उसका जो तल होता है वह हमें थोड़ा सा अपेक्षाकृत हमारे पास में दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा है कि यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत ऊंचा अधिक ऊंचाई पर लगेगा। देखिए दोनों यहाँ पर लगने वाली बात है नहीं, फील हो रहा है हमें ना, तो यहाँ पर यह आमतौर पर ऐसा होता है जैसे कोई बाल्टी वगैरह है, ठीक है, तो इसमें अगर जल भरा है, ठीक है, तो एक्चुअल में उसकी स्थिति होती यहाँ है, लेकिन पानी कारण जब हम देखते हैं तो हमें थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है। ये जो कंडीशन होती है ये होती है आपकी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है, ये जो हमें दिखाई देता है सिक्का ऊपर वगैरह, तो ये होती है प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा चौथे का, पहला और दूसरा दोनों सही होगा। और अगर आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किस कारण से होता है, तो इसको आप इससे कनेक्ट करिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने पांचवा, कि हमें भी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो पांचवा क्वेश्चन है वो ये कि तंतु प्रकाश की या जो फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है, जो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स वाली जो केबल होती हैं वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सही है, जो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। दूसरा, प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा का उपयोग अत्यधिक होता है। देखिए गलत है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल इसीलिए बनाई गई है ताकि ऊर्जा का कोई क्षय ना हो, और इस केबल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी ऊर्जा क्षय के आपकी जो प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऐसे बेस पे होते हुए जाती रहे, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। तीसरा, कि प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से युक्त होता है, तो बिल्कुल सही है कि इसका उपयोग आमतौर पर हम संचार में करते हैं और फिर उसके लिए हम रेडियो आवृत्ति भी यूज़ करना पड़ेगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। और भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण के लिए रिलायंस उद्योग समूह है, तो ये तो आप जानते होंगे कि इसका संचार क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा। तो आपके पहला, तीसरा और चौथा
ये तीनों सही हो जाएंगे। और ये ज़रूर याद रखिएगा, जो ऑप्टिकल फाइबर्स है ना, अभी जैसे कि भारत में भी योजना भी चल रही भारत नेट, ठीक है, जिसमें जो भी जब भी ग्रामीण इलाके हैं उनमें जो ग्रामीण इलाकों में आपके ऑप्टिकल फाइबर की केबल चलाई जा रही है ना, तो वो आपके इसी पर आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है छठा हमारे सामने, हमें गुरुत्वाकर्षण के जो मतलब इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं उनके बारे में विचार करना है। ठीक है, चलिए तो इस पर देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है और जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान है वो पिंड वाले पिंड से संबंध न हो। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण को लेकर मैं बता देता हूँ, मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ, इसके तीनों आंसर सही है तो तीनों की बात करते हैं, तो हम सीधा गुरुत्वाकर्षण की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। लेकिन ये बहुत क्षीण है तो बिल्कुल सही है, देखिए अगर हम चल रहे हैं हमारे नीचे गुरुत्वाकर्षण बल है लेकिन हम आसानी से अपने पैर उठा पाते हैं तो इस हिसाब से एक कैसा हो गया क्षीण बल। पर ये डिपेंड करता है द्रव्यमान पर, अगर इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान बहुत अधिक हैं तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा अधिक होगा। ठीक है, दोनों पिंडों के, तो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके इनके द्रव्यमान पर। ठीक है, और दूसरा गुरुत्व बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम हो जाता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला ही बता देता हूँ, जो गुरुत्वाकर्षण बल का वो होता है F बराबर यहाँ पर जी नियतांक है और M1, ठीक है, M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो M1 है ये एक पदार्थ का द्रव्यमान है और दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान है, इन दोनों के बीच के गुणनफल और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर लिखा है कि भाई ऊंचाई बढ़ने के साथ कम हो जाता है, तो जैसे कि अगर हम पृथ्वी पर खड़े हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर हैं, तो जैसे जैसे हम अगर ऊपर जाएंगे मतलब हमारे और पृथ्वी दोनों के बीच में क्या है, आर का मान बढ़ेगा, और अगर आर के मान को आप यहाँ रखोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, जो गुरुत्वीय बल है उसका मान कम हो जाएगा क्योंकि ये बटे में है, और बटे वाली चीज़ में अगर कोई भी इधर मान बढ़ता है तो इधर हमेशा कम होगा, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, तीसरा होता है कि किसी वस्तु पर लगे गुरुत्व बल को उसमें स्थित एक बिंदु पर लगता हुआ मान सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कि किसी वस्तु के एक सेंटर में उसको मान सकते हैं कि ओवरऑल गुरुत्व बल उसके एक सेंटर में काम करता है। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पर आप ये फॉर्मूला भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, इसके बारे में बता दूँ कि जो जेल पेरी की एग्जाम हुई थी MP वाली, उसमें 2018 में क्वेश्चन आया था, जो जेल फेरी के एग्जाम से उसमें साइंस स्पेशल होती है तो उस बेस पे क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा था। देखिए सातवें क्वेश्चन की बात है, इसको देखते हैं कि कोई वस्तु द्रव में तैरेगी जबकि, तो कोई वस्तु अगर द्रव में तैर रही है तो वो क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं, तो इसका मैं पहला आंसर बता देता हूँ, 1 और 2 सही होगा। अब देखिए थोड़ी बात कर लेते हैं कि कोई वस्तु द्रव में जब तैरती है तो किस बेस पर तैरती है, तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है, बिल्कुल सही है। ये आपने पढ़ा भी होगा कि जो बर्फ है, ठीक है, वो पानी के ऊपर तैरती है, कब, जब उसका घनत्व कम हो पानी के घनत्व से। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि किसी भी वस्तु के तैरने के लिए सबसे मेन चीज़ है कि जो वस्तु तैर रही है उसका घनत्व कम होना चाहिए, दूसरा है विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा है कि अगर ये बर्फ भी अगर इस पानी में तैर रहा है, ठीक है, तो इसे अपने वजन के बराबर नीचे से पानी हटाना होता है। देखिए ये जो सेकेंड वाली लाइन है इसको ऐसे समझते हैं कि पानी के किल तो सॉरी लोहे के किल तो पानी में आसानी से डूब जाती है, लेकिन इतने बड़े बड़े जहाज आखिर समुद्र में चल कैसे जाते हैं, तो वो इसे सेकेंड लो पे चलते हैं कि जहाज में जितना वजन होता है, मान लीजिए जहाज में 500 टन वजन है, तो वो अपने नीचे से पूरा का पूरा 500 टन से इतना अधिक से पानी हटा देता है, अगर इतना नहीं हटा पाएगा तो हमेशा डूब जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें लागू होती, तीसरा आयतन का कोई रोल नहीं होता है किसी भी वस्तु के तैरने पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा होगा कि तैरने के लिए क्या क्या नियम होना चाहिए, एक तो घनत्व कम होना चाहिए और दूसरा उसके जो भी वस्तु तैर रही है उसे अपने भार के बराबर नीचे से पानी हटाना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल से रिलेटेड, कि वायुमंडल के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। देखिए तो इसकी बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, चलिए सबसे पहले कि वायुमंडल के बारे में, कि ठीक है कि यह गुरुत्व कारण पृथ्वी घेरे हुए, तो बिल्कुल सही है कि जो वायुमंडल होता है ये आपकी पृथ्वी है और इसके चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं वायुमंडल, और ये टिका किसके कारण है,
तो ये आपका जो टिका हुआ है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक। दूसरा है पृथ्वी तल से बढ़ती ऊंचाई से इसका घनत्व घट जाता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लगभग, ठीक है, जो वायुमंडल होता है शुरू से लेकर 32 किलोमीटर तक इसका 99% समाहित होता है। तो आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं कि सिर्फ 32 किलोमीटर में अगर 99 आ रहा है तो ऊपर जाने पर डेफिनेटली इसका घनत्व कम होगा, ठीक है। बाकी रही तीसरे पॉइंट की बात, ये दो कर चुके हैं तीसरे की, तो तीसरा गलत होगा क्योंकि इसमें लिखा है कि अपनी संपूर्ण ऊंचाई में इसकी संरचना एक सी रहती है, तो बिल्कुल गलत, संरचना एक सी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और रही बात चौथे की, तो चौथे को आप पढ़ लीजिए कि समुद्र तल पर पृथ्वी के पृष्ठ पर एक पृथ्वी पृष्ठ पर दूसरे द्वारा आरोपित दाब एक वायुमंडल, तो ये भी सही नहीं होगा, जिसका आंसर होगा आपका फर्स्ट और सेकंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सरल लोलक की गति संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये जो क्वेश्चन है आपका FCI 2014 में भी आया हुआ है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके, ठीक है, कि देखिए मैं लोलक के बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ, जो इसका आंसर है पहले उसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड वाला, फर्स्ट और थर्ड ये वाला सही होगा। ये चीज़ें समझने से पहले आपको थोड़ा लोलक के बारे में बता देते हैं। देखिए लोलक ये कि अगर आपने डोरी से, ठीक है, डोरी से किसी पदार्थ को बांध रखा है और ये आपका फिर ऐसे और यहाँ से लगाकर ऐसे तक, ठीक है, घूम रहा है और इस मार्ग में जो गति कर रहा है इसे कहते हैं सरल लोलक आवर की गति, और ये पूरा पिंड होता है आपका लोलक। तो यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी है, तो पहले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं और मैं इसके साथ समझा देता हूँ आपको कि त्वरण सदैव माध्य स्थिति की ओर निर्दिष्ट रहता है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि इस लोलक में इस जगह स्थितिज ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है। ये अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेले में नाव वाला झूला होता है, बिल्कुल वैसी कंडीशन है आपकी कि जो नाव के झूले की बात करते हैं, तो इस जगह आके आपका झूला कहीं ना कहीं कुछ सेकंड के लिए ज़रूर रुक जाता है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद वो रिटर्न आना होता है। तो भाई रुक रहा है मतलब इसमें कुछ टाइम के लिए स्थिति आई, तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक, इस बीच सेंटर में गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा होता है सबसे हाईएस्ट स्पीड इसकी यहाँ होती है, फिर इधर जाते हुए फिर कम हो जाती है। रही बात त्वरण की, तो त्वरण होता है इसमें, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से आ रही है, इसमें स्पीड बढ़ रही है फिर कम हो रही है, और त्वरण होता क्या है? वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, तो वेग में परिवर्तन बिल्कुल हो रहा है, तो त्वरण सदैव माध्य की ओर होता है। देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि त्वरण में चेंज इसी साइड तो होते होते जा रहा है, यहाँ अगर इसकी स्पीड 10 है तो यहाँ आते आते 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है, तो भाई त्वरण माध्य स्थिति की ओर है, बिल्कुल सही है। दूसरा, माध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम होता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि त्वरण इस जगह सर्वाधिक होता है। उसका रीज़न क्या है कि वेग में परिवर्तन की दर एकदम से आके यहाँ पर चेंज हो रही है, बिल्कुल यहाँ से वापस रिटर्न हो रहा है, त्वरण बहुत जल्दी शून्य हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका त्वरण सर्वाधिक होगा। और चौथा, ठीक है, सॉरी, इसमें फर्स्ट और हाँ बिल्कुल थर्ड ही सही है, और चौथा यहाँ पर अधिकतम त्वरण परिमाण के अधिकतम वेग के बराबर होगा, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर त्वरण तो शून्य हो रहा है और वेग यहाँ पर हाईएस्ट हो रहा है, तो ये एक दूसरे के गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके ये पोलेराइड से रिलेटेड है, और ये जो क्वेश्चन है आपका RRB JEE 2009 में आया हुआ है। तो बात करते हैं हम कि पोलेराइड से रिलेटेड, तो फर्स्ट है यहाँ पर, तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं हम कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर चार ऑप्शंस इसके सही है। चलिए एक एक भी डिस्कस करते हैं और आपको अच्छे समझ जाते हैं पोलेराइड होता क्या है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, पहले समतल ध्रुवित प्रकाश, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि ध्रुवण या ध्रुवित प्रकाश होता क्या है। देखिए प्रकाश में घटना होती है जिसे हम कहते हैं ध्रुवण, ठीक है। अब प्रकाश का एक गुण होता है कि जब वो चलता है, ठीक है, तो वह माध्यम के लंबवत भी गति करता है, ठीक है, क्योंकि अनुप्रस्थ और अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम के लंबवत गति करती है। लेकिन अगर वो ऐसे गति कर रहा है तो तब तक तो इसे क्या बोलेंगे हम, ध्रुवित प्रकाश। लेकिन जब इसमें ये माध्यम के हर दिशा में गति करने लग जाए, ठीक है, इधर भी करने लग गया है, ठीक है, इधर भी करने लग जाए, मतलब वो सब दिशा में आपके क्या करने लग जाए, गति करने लग जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे फिर कि यह अध्रुवित प्रकाश है। अब अध्रुवित प्रकाश को मुझे ध्रुवित में चेंज करने के लिए यूज़ करता हूँ मैं पोलेराइड का। किसका यूज़ करता हूँ? पोलेराइड का। और जब पोलेराइड से गुजरता है तो वापस से प्रकाश आपका कैसा होने लग जाता है? बिल्कुल ऐसे ऐसे चलने लग जाता है, ठीक है, कैसे चलने लग जाता है? बिल्कुल ऐसे, मतलब वो माध्यम के लंबवत ही गति कर रहा है तो वो ध्रुवित, और ये प्रकाश जो सब तरफ गति कर रहा है इसे बोलते हैं अध्रुवित। तो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, मतलब अध्रुवित से ध्रुवित उत्पन्न करने के लिए पोलेराइड का यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही। ये एक बड़े आकार की फिल्म होती हैं जो दो कांच की प्लेटों के बीच में रखा जाता है। तो जो पोलेराइड होता है उसकी संरचना की बात करी यहाँ पर, तो देखिए पोलेराइड की बात करते हैं तो पोलेराइड वाकई में सही बात है कि इसमें दोनों तरफ कांच की प्लेटें होती है और बीच में आपके, ठीक है,
ये जो दो मिश्रण है नाइट्रोसेलुलोस और हर्पेथाइड, ये तो आपके एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है। इसमें जो मिश्रण होता है वो कौन सा होता है, क्योंकि फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बीच में ये मिश्रण आपका भरा होता है, ठीक है। और चौथा है, इसमें कार दुर्घटना रोकने के लिए पोलेराइड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं जो आपकी कार वगैरह होती हैं, ठीक है, एसयूवी वगैरह, उनमें जो ब्लैक कलर की आपकी पट्टी चढ़ाई जाती है कांच के ऊपर में, वह आपके पोलेराइड की होती है। और एक पोलेराइड का सबसे बढ़िया प्रयोग है, अगर आपने 3D मूवी देखी है और आप उसके लिए जो चश्मा यूज़ कर रहे हो वो पोलेराइड का ही बना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें, तो इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत हैं। तो इसके आंसर की बात कर लेता हूँ, ये हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सही है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की, ठीक है, कि ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति 20, ठीक है, कंपन प्रति सेकंड से 20 कंपन प्रति सेकंड, 20,000 कंपन प्रति सेकंड होती। यहाँ जो कंपन प्रति सेकंड लिखा है इसको हम बोलते हैं हर्ट्ज में, ठीक है, इसे हम मापते हैं हर्ट्ज में। तो आपको इतना पता है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ हम बिल्कुल सुन सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं श्रव्य तरंगे। दूसरी, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है ना, ये हर्ट्ज ही है, इससे कम होती है तो अवश्रव्य तरंग कहलाती है, बिल्कुल सही है, उन्हें हम नहीं सुन सकते। तीसरी, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, तो पराश्रव्य तरंग कहते हैं। और ध्वनि तरंगे निर्वात में चलती है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे, और अनुदैर्ध्य चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता चाहिए होती है, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पर आपका 11वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब से है, जो हम पहले और दूसरे में इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, पहला है, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक घट जाता है। तो बिल्कुल सही है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो वायुमंडलीय दाब होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ने पर क्या होता है, घटता है, ठीक है। और क्वथनांक की बात करते हैं तो क्वथनांक पूरा का डिपेंड करता है दाब पर। अगर दाब, ठीक है, दाब का मान घटा तो क्वथनांक भी क्या होगा, आपका घट जाएगा। तो पहाड़ पे अगर हम जाते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ठीक है। जब जल का क्वथनांक घट जाएगा तो, ठीक है, उसी के रीज़न से क्या होगा, आपका खाना देर से पकेगा, है ना। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका जो कुकर होता है वो इसी बेस पे काम करता है। कुकर एक्चुअल में होता क्या है कि कुकर जो होता है आपका, वो वाकई में आपके क्वथनांक जो होता है, जल के क्वथनांक, उसको बढ़ा देता है। उसके कारण उसमें जो आपकी दाल वगैरह होती है वो जल्दी पक जाती है, ठीक है। और अगर क्वथनांक कम रहा, ठीक है, पानी जल्दी उबल गया, मतलब पानी 100 पे उबल गया और निकल गया, तो दाल गलने के लिए अंदर पानी ही नहीं बचेगा। तो बिल्कुल पहाड़ों पे क्या होता है कि जैसे आप वहाँ गए, क्वथनांक घट गया, तो जो पानी है वो 80 डिग्री सेल्सियस पर ही उबल के जाने लग गया, तो इतने में आपको खाना पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ेगा। रही बात ये कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो बिल्कुल गलत, ठीक है। यहाँ पर वैसे पहला आंसर सही दे रखा है, और क्वथनांक बराबर रहता है ये भी गलत, और घटता बढ़ता है ये भी गलत। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ऊंचाई बढ़ने पर दाब घटता है और दाब घटने पर क्वथनांक भी घट जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ों पर विचार करना है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं, यहाँ पर हम अवतल दर्पण के बारे में कुछ बातें करी हैं। तो अवतल दर्पण के बारे में लिखा है कि अवतल दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट या कार की हेडलाइट में किया जाता है, बिल्कुल सही है। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो अवतल दर्पण है वो किरणों को फैलाने का काम करता है ना, यहाँ लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर दर्पण की बात कर रहा हूँ। और इसमें जो फोटो बनता है वो जो एक्चुअल फोटो से काफ़ी ज़्यादा बड़ा शो करता है, कौन सा, अवतल दर्पण। तो भाई, कार के जो लाइट है ये उसे और क्या करेगा, ज़्यादा फैला देगा, उससे आपके सड़क पर अच्छा खासा प्रकाश हो जाएगा। दूसरा है, अवतल दर्पण का प्रयोग चिकित्सक कान गले के आंतरिक भाग को देखने के लिए करता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, जो फोटो होता है उसको आकार में बड़ा शो करता है, तो इसीलिए आंतरिक भाग देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो उससे क्या होगा आपका, कि जो भी चीज़ें कान वगैरह या दांत वगैरह वो अच्छे से बड़े देखेंगे, डॉक्टर आसानी से इलाज कर पाएगा। तीसरा है, अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होने के कारण ट्रक या मोटर या कार के चालक बगल में लगाया जाता है, तो गलत है। यहाँ पर जो मोटर कार के चालक के बगल की बात करते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं हम उत्तल दर्पण की, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, जो साइड में जो साइड मिरर होता है वो एक्चुअल फोटो को छोटा दिखाता है, ना कि बड़ा दिखाता है। भाई, छोटा दिखा रहा है, स्वाभाविक सी बात है, उत्तल और अवतल का तो मैंने बता दिया है कि अवतल क्या करता है, आपका बड़ा दिखाता है, ठीक है।
और रही बात यहाँ पर चौथा, तो चौथा भी इसके लिए गलत हो जाएगा कि इसका उपयोग आकाश विंडो तारे आदि के फोटोग्राफी करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट और सेकेंड सही। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हमें जोड़ी असत्य मतलब कौन सी जोड़ी असत्य वो मिलाना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा स्टेटिक क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको जो भी यंत्र वगैरह हैं, ठीक है, ये फिजिक्स के यंत्र हैं, उनके क्या यूज़ होते हैं वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो रेडिएटर होता है वो वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए होता है, बिल्कुल सही है। रेडिएटर की बात करते हैं तो एक इंजन के सामने जाली नुमा लगा होता है जो ठंडी हवा को प्रवेश करता है, मतलब गर्म हवा को ठंडी में चेंज कर देता है, और बहुत सी बार हम इसी के अंदर पानी डालते हैं इंजन को ठंडा करने के लिए। रही बात दूसरा एरोमीटर, तो ये भी बिल्कुल सही है कि गैसों का भार एवं घनत्व इससे ज्ञात किया जाता है। तीसरा फोनोमीटर, तो इसके लिए ये भी सही है कि प्रकाश की चमक व शक्ति ज्ञात करना। चौथा यहाँ पर गलत हो जाएगा कि ध्वनि तरंगों को पुनः परावर्तित करना, क्योंकि जो पायरोमीटर होता है उसका यूज़ करते हैं हम उच्च ताप को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें सूर्य का ताप ज्ञात करना है, ठीक है, सूर्य का ताप ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम किसको यूज़ करेंगे, पायरोमीटर को। तो यहाँ पर ये वाला आपका गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका है, इसमें भी जो लेंस से रिलेटेड है, ठीक है, वो कथन हमें देखने हैं कि लेंस से रिलेटेड कथन क्या होंगे, क्या सही होंगे और क्या गलत होंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं हम ये क्या चीज़ें हैं। देखिए लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता बदल जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड था और मैंने कहा था कि लेंस को आप द्रव में डुबो रहे हो, चाहे द्रव और उस लेंस की अपवर्तनांक कैसे भी हो, बराबर हो, इसका बड़ा हो इसका छोटा या इसका बड़ा इसका छोटा, फोकस दूरी और क्षमता पे तो प्रभाव जरूर पड़ता है। और लेंस की प्रकृति कब बदलती है, जब इसका अपवर्तनांक इससे कम हो, सिर्फ तभी, है ना, बाकी तो आपकी फोकस दूरी और क्षमता हमेशा हमेशा बदलती है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि वायु का बुलबुला होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है और जल का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर वायु का बुलबुला एक्चुअल में उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस की बात ही व्यवहार करता है, लेकिन जैसे आपने जल में डुबोया, ये कैसे बात करेगा, अवतल लेंस की बात है। उसका रीज़न क्या है कि वायु के बुलबुला है इसका अपवर्तनांक, ठीक है, जल के अपवर्तनांक से कम होता है, तो उत्तल है और उत्तल के बाद ही उत्तल है, तो उत्तल से अवतल में आपका चेंज करने लग जाएगा, ठीक है, व्यवहार करने लग जाएगा। तीसरा, लेंस की क्षमता कि मात्रक डायोप्टर होता है, तो बिल्कुल सही, ठीक है। और लेंस की क्षमता को हम, ठीक है, पी बराबर 1/f से मापते हैं, मतलब उसकी फोकस दूरी का बिल्कुल उल्टा होता है। तीसरा, उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक और अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो ये गलत है। ये इस यहाँ पर आएगा कि अवतल लेंस की तो ऋणात्मक रहेगी, ठीक है, माइनस में, और जो उत्तल लेंस की रहेगी वो रहेगी धनात्मक में। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों सही होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जो चुंबक से रिलेटेड है। देखिए प्राकृतिक चुंबक का आकर्षण शक्ति बहुत कम होती है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो एक्चुअल में प्राकृतिक चुंबक की हम बात करते हैं उसकी आकर्षण शक्ति वाकई में कम होती है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं कि चुंबक की आकर्षण शक्ति दोनों किनारों पर अधिक और मध्यम सबसे कम होती है, तो बिल्कुल सही है कि जो आपका चुंबक होता है, यहाँ का एन पार्ट, यहाँ का एस पार्ट, ठीक है, और यहाँ की बात करते हैं, ठीक है, तो इस इलाके में बहुत अधिक होता है और यहाँ पर सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए तीसरा होता है कि चुंबक के टूटने पर ध्रुव अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि टूटे हुए भाग पुनः एक पूर्ण चुंबक बन जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ की हम बात करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि ध्रुव अलग अलग नहीं होते हैं, एक्चुअल में ध्रुव चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एन और यहाँ पर एस था, ठीक है, अगर आपने इसको तोड़ा है यहाँ से, ठीक है, तो बीच में, तो फिर यहाँ पर आपका ये अभी तो एन एस है, बीच में तोड़ा तो ये फिर यहाँ पर एस हो जाएगा और यहाँ पर फिर एन की भांति व्यवहार करने लग जाएगा, ठीक है। तो ध्रुव बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे, बल्कि जो टूटा है वो एक पूरा का पूरा एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। और चौथा है, चुंबक के टूटने पर इसके ध्रुव अलग अलग होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमें कथनों पर विचार करने। देखिए यहाँ पर आप अभी तक एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारा को लेंदी भी लग रहा होगा कि सर बहुत लेंदी जा रहा है, लेकिन आप चीज़ यहाँ पर नोटिस करिए कि हम एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं, और अभी तो हम 17 क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, और लगभग ये मानिए कि हम एक क्वेश्चन में 2 से 3 से 4 बातें नहीं सीख रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए तो जो इसका आंसर है आपका ये वाला, 1 और 2 सही है, फटाफट देख लेते क्या है। तो गैसों की शांतता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, बिल्कुल सही है, और द्रव की शांतता ताप बढ़ने पर घटती, बिल्कुल सही है।
थोड़े से इस शांता वर्ड को जान लेते हैं, शांता होती क्या है। देखिए शांता एक द्रव और गैसों का दोनों का गुण होता है, लेकिन आमतौर पर यह द्रव में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक शहद की और एक पानी की, अगर आप इन दोनों को एक गिलास से नीचे गिराने जाओगे तो आप फाइनली क्या चीज़ें, पानी बहुत तेज़ी से गिरेगा, शहद बहुत धीरे धीरे गिरेगा। इसका मतलब है कि इसकी शांता ज़्यादा है और पानी की कम है। शांता होती क्या है, तो देखिए किसी भी द्रव में क्या होता है कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और ये जो लेयर्स होती हैं हमेशा ऊपर वाली लेयर्स के बीच में, हमेशा इन दोनों के बीच में क्या एक घर्षण बल कार्य करता है जो इसके बहने का विरोध करता है, मतलब इसे बहने नहीं देना चाहता है। तो जिसकी शांता ज़्यादा होगी उसमें घर्षण बल अधिक और वो बहुत धीरे धीरे बहेगा। पानी एक जो शांता होती है बहुत कम होती है, ठीक है, इसकी इसी के कारण ये आसानी से बह जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डी वाला, एक और दो सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां, तो यहाँ पर कथनों पर विचार करना है। चलिए इनको देख लेते हैं। तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर कि सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। दूसरा यहाँ पर है आपके सामने कि पृथ्वी का व्यास 1300 किलोमीटर, भाई तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए पृथ्वी की जो व्यास होता है एक्चुअल में होता है वो 12000, ठीक है, 742, ठीक है, 12742 किलोमीटर होता है, तो ये तो बहुत कम है, तो ये वाला तो आपका गलत हो गया, फर्स्ट वाला सही है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में CO2, ठीक है, नाइट्रोजन और अकरी गैस पाई जाती है, तो ये सही है। और शनि बृहस्पति से छोटा और ठंडा ग्रह, तो ये भी सही है क्योंकि ये बृहस्पति से इस साइड है और इससे छोटा भी और ठंडा भी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारा कौन सा मिलान कर रहा है, तो 1, 3 और 4 ये वाला आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमें इस पर भी विचार ही करना है कथनों पर। ठीक है, चलिए तो इसके देख लेते हैं चीज़ें कि क्या है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, तो ये अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो बिल्कुल सही है कि गुरुत्व केंद्र वह है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। गुरुत्व के अंदर गिरते पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। देखिए थोड़ा सा यांत्रिक ऊर्जा देख लेते, ये क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है आपका, ठीक है, सॉरी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा दोनों का मिक्सर होता है यांत्रिक ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके लिए लैपटॉप पर वीडियो भी बना रहा हूँ, तो एक्चुअल में मैं बैठा हूँ, ये मेरी स्थिति ऊर्जा है, लेकिन मैं आप बोल रहा हूँ और, ठीक है, मैं हाथ से पेन चला रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरी गतिज ऊर्जा है। तो दोनों ऊर्जा में काम कर रहा हूँ, मैं अभी यांत्रिक ऊर्जा में बैठा हुआ। वैसे ही अगर कोई ऊपर से पिंड गिर रहा है तो स्पीड में उसमें गति भी है, लेकिन उसके वजन के कारण उसमें क्या है, स्थिति ऊर्जा भी है, और दोनों की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा, चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के जो गुरुत्व त्वरण होता है उसे 1/6, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर, और गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी पर शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान शून्य, अगर वस्तु देखिए, अगर यहाँ पर देखो दो तरह से, अगर हम बिल्कुल यहाँ पर मान लें कि वस्तु स्थिर है, ठीक है, और इसमें कोई हलचल नहीं है, तो यहाँ पर गुरुत्व त्वरण शून्य हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक्चुअल में शून्य नहीं कह सकते हैं, वो तो पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में आपका गुरुत्व त्वरण हमेशा शून्य होता है यहाँ आने, तो इसके लिए 1, 2, 3, 4 आपके सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो था आपके MP Police 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है, जड़त्व मान घटाने के लिए, जड़त्व मान बढ़ाने के लिए, तो आंसर होगा जड़त्व का मान घटाने के लिए। देखिए जड़त्व के बारे में थोड़ी सी अपने मन में एक डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए, जड़त्व होता क्या है। देखिए ध्यान सुनिएगा कि कोई भी वस्तु, जड़त्व मतलब ऐसा कि अगर कोई वस्तु गति में है, स्पीडली है, तो इसकी इच्छा होती है कि मैं कभी रुकूं ही नहीं, मतलब मैं हमेशा स्पीड में बना रहूं, तो इसका स्पीड में बने रहने की इच्छा है ना, इसका गुण कि हमेशा क्या चाहती है, स्पीड में बने रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती, तो इसकी स्पीड में रहना इसका एक गुण है, उसे इसका क्या कहेंगे हम, जड़त्व। और अगर कोई चीज़ स्थिर पड़ी, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बस पड़ी है और वो इसकी इच्छा है कि मैं चलूँ ही ना, पड़ी ही रहूं, तो ये भी उसका जड़त्व है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि किसी वस्तु का उसकी प्रारंभिक स्थिति में बना रहने का गुण क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। अब इसको हमेशा, अगर जैसे कि आप स्टार्टिंग की बात करें साइकिल की, तो साइकिल अगर आप चला रहे हैं तो वो रुकी हुई, मतलब रुकी हुई जड़त्व है, और जड़त्व में बने रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। आप उसको बदलोगे, मतलब स्थिर से स्पीड में ला रहे हो, वो क्या करेगी, विरोध करेगी, और इसी विरोध को आपको जारी रखने के लिए, मतलब आप उसका विरोध कर रहे हैं तो आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। जैसे अगर आप स्पीड में आ जाओगे साइकिल में, तो फिर आपको अधिक पेडल नहीं मारने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि फिर उसकी गति उसका क्या हो जाएगा, जड़त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
कि सामान्य विद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो मोटा तार तो ये तो नहीं होगा यहाँ पर, अब पतला तार तो बिल्कुल सही, और निम्न गलनांक मिश्र धातु तो ये भी सही होगा। देखिए सबसे मेन चीज़ आती है भाई फ्यूज तार होते क्या हैं, तो आपको पता हो कि आपके घर में फ्यूज तार या जो फ्यूज़ लगा होता है, जब भी आपके घर में अगर फॉर एग्जांपल कभी तेज लाइट या बहुत स्पीडली आपका लाइट आ जाए, ज़्यादा आ जाए, तो सबसे पहले घर में आपका फ्यूज़ ही टूटता है या यही ख़राब होता है, क्योंकि उसका रीज़न है पतला तार है, और पतले तार में अगर तेज़ी से आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो तो बहुत जल्दी टूट जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है निम्न गलनांक, मतलब बहुत कम ताप पर ही गलने लग जाता है। तो अगर इस वायर से, घर के वायर में अगर यहाँ पर बीच में कहीं पर फ्यूज़ लगा है, वायर में तेज़ी से और बहुत ज़्यादा लाइट आई, तो बीच में लगे फ्यूज़ का तार पतला है और इसका गलनांक भी बहुत कम है, तो ये तार बहुत जल्दी टूट जाएगा और बाकी आपके घर में पूरे लाइट बंद हो जाएगी और आपके सभी विद्युत उपकरण सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 22वां कि एक तुल्यकालिक रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रमों का संचार करता है, क्योंकि? तो इसका आंसर होगा परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट जो सीधा समझिए, इन्होंने जो बात करी है वो है आपके जो जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट होते हैं। ठीक है, जियो सिंक्रोनस आपके जो सेटेलाइट होते हैं उनकी बात करी है। ये जो पृथ्वी से होते हैं लगभग 36,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है वहाँ पर इनको छोड़ा जाता है। ठीक है, इन वाले उपग्रहों को, ठीक है, भूतुल्यकालिक उपग्रह, और इन्हें छोड़ने के लिए हम GSLV का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपने PSLV रॉकेट का भी नाम सुना होगा और एक GSLV होता है, तो ये ध्रुवीय उपग्रहों को छोड़ने के लिए यूज़ होता है, और ये होता है आपके जियो सिंक्रोनस जो तुल्यकालिक उपग्रह है उनको छोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए, और हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि इनका घूर्णन, मतलब इनका खुद के अक्ष पर घूर्णन 24 घंटे होता है। ठीक है, और पृथ्वी का जो परिक्रमण है, सॉरी इनका जो परिक्रमण काल है वो 24 आवर होता है पृथ्वी के आसपास, और पृथ्वी का खुद का भी घूर्णन 24 घंटे होता है। इसके कारण ये हमेशा, जैसे कि अगर इसे भारत के ऊपर लगाया जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमने सैटेलाइट भारत के ऊपर लगाया तो हमेशा ये भारत के ऊपर ही बना रहता है और संचार सुविधा का हमें उपभोग प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है, ये CHSL 2012 का क्वेश्चन भी है कि घटना कहाँ कहाँ प्राप्त होती है। तो देखिए ये आपका होगा बिल्कुल सभी में, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। तो भाई क्वेश्चन आता है व्यतिकरण क्या होता है, सबसे मेन चीज़ होती है। देखिए व्यतिकरण होता है आमतौर पे, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ कि जब दो तरंगें, ठीक, आ रही है, एक तरंग इधर से भी आ रही, और जब ये किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, ठीक है, दो तरंगें अलग अलग और किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, तो इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे, व्यतिकरण कहेंगे। ठीक है, अब व्यतिकरण के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, एक संपोषी और विनाशी, अगर दोनों समान कला में है, ये भी और ये भी, तो जो व्यतिकरण होगा संपोषी, और अगर इसकी कला और इसकी कला चेंज है तो कैसा होगा, विनाश, है ना। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात करें हम कि अगर दो लोग एक जैसा गाना गा रहे हैं तो गाने की आवाज़ बहुत अच्छी आएगी, बहुत लाउड सुनाई देगी, लेकिन अगर एक आदमी अलग गा रहा है, दूसरा अलग गा रहा है, तो फिर आपको पता है कि गाना कैसे सुनाया देगा, दोनों का मिक्सर होगा और जो आवाज़ है बहुत निम्न सुनाई देगी और बहुत कोलाहल मचेगा। ठीक है, तो ये व्यतिकरण की घटना प्रकाश में भी होती है, अनुदैर्ध्य और तीनों में होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो यहाँ पर जो सीधा सा इसका आंसर, सटीक सा आंसर है कि ये मात्रक है आपका ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, ये आपके जो विद्युत वगैरह उससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कुछ नहीं, एक सटीक सा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो इन वाले क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको फिजिक्स है ना, आने वाली जो एग्ज़ाम्स है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं NTPC, ठीक है, और ग्रुप डी मेनली यही आ रही है, और इसके अलावा भी MPSI वगैरह हैं। ठीक है, तो इनमें जो मेनली चीज़ है ज्योति फ्लक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर जो मात्रक आ रहे हैं वो तो आपको कैसे भी करके याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जितने भी जो मात्रक है आप वो सारे एक साथ ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सटीक क्वेश्चन है, यहाँ समझने वाली कोई चीज़ नहीं होती, तो आप सारे के सारे मात्रक ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, ठीक है, कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती कैसी होती है भाई, तो इसका आंसर है तरंग एवं कण दोनों की। देखिए जब साइंटिस्ट जब शुरू में आए थे तो उन्होंने कहा था, न्यूटन की बात करते कि भाई प्रकाश कण है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट बाद में आए जिन्होंने कहा कि नहीं ये तरंग है।
लेकिन लास्ट में एक साइंटिस्ट आए आपके आइंस्टीन, उन्होंने कहा कि जो प्रकाश है वो एक्चुअल में दोहरी प्रकृति का है, मतलब तरंग भी है और कण भी है दोनों। देखिए ऐसा रीज़न इसलिए कि जो प्रकाश की तरंग वाला गुण है वो प्रकाश के कुछ गुण, जैसे कि हम बात करते हैं परावर्तन, ठीक है, अपवर्तन, और अभी जो हमने देखा व्यतिकरण, विवर्तन, इनकी व्याख्या कर पाता है। लेकिन जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव और ठीक है एक है आपका काम्प्टन प्रभाव, इन दोनों की व्याख्या तरंग वाले गुण से नहीं कर पाता है, ये व्याख्या कर पाता है कण वाले गुण से। तो इसीलिए प्रकाश के दोनों गुण होते हैं। और आप ये भी चीज़ याद रखिएगा, ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि तरंग वाले गुण से प्रकाश में कौन कौन सी क्रिया की जा सकती या कौन कौन से आपके गुण शो कर सकता है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन। और जब आपका कण की बात करेंगे तो काम्प्टन और प्रकाश का विद्युत प्रभाव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो इसका सिंपल सा आंसर है बढ़ती है। ठीक है, अगर माध्यम की बात करें तो माध्यम में अगर प्रकाश ताप बढ़ा उसका तो वहाँ पर प्रकाश की गति भी बढ़ जाएगी, और जैसे अगर ताप घटा तो प्रकाश की गति भी घट जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ तो वैसा रहेगा, सहसा गिर जाते, ऐसा कुछ नहीं होता है, बढ़ा तो बढ़ती जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भाई आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है आपका प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, देखिए प्रकीर्णन जो होता है एक गुण होता है जिसमें क्या होता है कि प्रकाश, जैसे जैसे कि अगर प्रकाश जा रहा है, ठीक है, और अगर इसके माध्यम में या बीच में बहुत सारे धूल के कण आते हैं तो इसके कारण क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है। ठीक है, बहुत सारे मतलब अलग अलग रास्तों में फैल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकीर्णन के कारण ये फैलने लगता है। अब देखिए प्रकीर्णन के साथ में एक चीज़ होती है कि जिस प्रकाश की तरंग देर ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत कम होता है। जैसे कि लाल रंग की बात करते हैं तो लाल रंग की तरंग देर सबसे अधिक, तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंगनी रंग की, तो बैंगनी रंग की तरंग देर जो होती है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, बैंगनी रंग की तरंग देर कम होती हैं तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा, बैंगनी रंग का सबसे अधिक होगा। ठीक है, सबसे अधिक होगा। अब देखिए जो सूर्य का प्रकाश हमारी तरफ आता है पृथ्वी पर, तो एक्चुअल में ऊपर से आने वाले प्रकाश में क्या होगा, बैंगनी रंग है, इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा, और ये फैलने लग जाएगा। तो भाई आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर बैंगनी रंग तो नहीं दिखता हमें, तो नीला दिखाई देता है। लेकिन याद रखिए वो पूरा नीला नहीं होता है, वो आपके एक्चुअल में बैंगनी और नीले के बीच का कलर होता है, मतलब आप उसे हल्का बैंगनी कह सकते हैं जो आपके आसमान में हमें दिखाई देता है, क्योंकि नीला कलर वो डार्क ब्लू वाला नहीं है। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कि वायुमंडल प्रकाश के विसरण का कारण है। देखिए ये विसरण उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और विसरण दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो ये क्वेश्चन घूम के आया है। मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रकीर्णन में होता क्या है, भाई धूल के कण है तो धूल के कण के कारण से फैल रहा है, तो विसरण भी आपकी वही घटना है। तो आप दोनों को कनेक्टेड याद रखिएगा कि प्रकीर्णन और विसरण दोनों में क्या होता है, आपका प्रकाश फैलेगा इसे, ठीक है, प्रकाश फैलेगा प्रकीर्णन और विकिरण, ठीक है, विसरण में। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी उसी से रिलेटेड आ गया है, यहाँ पर आपके बेसिक क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर जाएंगे कि लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है खतरे के संकेतों में क्यों। इसका सिंपल सा आंसर है फर्स्ट वाला, इसका प्रकीर्णन कम होता है। भाई प्रकीर्णन कम होगा तो क्या होगा, आपका ये फैलेगा कम, ठीक है, क्या होगा, कम फैलेगा, और कम फैलेगा तो हमें दूर से आसानी से नज़र आएगा। जैसे कि अगर हम रेड लाइट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक में या ट्रेन की पटरी वगैरह पे, स्टेशन पे भी रेड लाइट यूज़ होता है, क्योंकि ये दूर से आसानी दिख जाता है, क्योंकि ये फैलता नहीं है, है ना, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, अधिक है, तो प्रकीर्णन इसका कम होगा। और रही बात अगर आप इसकी जगह बैंगनी या ब्लू करने गए, तो ब्लू कलर के साथ एक दिक्कत है कि वो आपको दूर से नहीं दिखेगा, रीज़न प्रकीर्णन अधिक और वो आपका फैलने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको एक चीज़ सोच रहे होंगे कि सर कभी तो कुछ बढ़ रहा है कभी कुछ घट रहा है, देखिए कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक उसका प्रकीर्णन कम, ठीक है, ये प्लस तो ये माइनस, बिल्कुल आपका इसका उल्टा होता है तरंग दैर्ध्य का। तो आप अगर एक चीज़ भी याद रख गए कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक, तो आप आसानी से याद रख पाओगे कि इसका जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, कोई कन्फ्यूजन की इसमें आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई जो तांबा होता है मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, आखिर क्यों करते हैं, ठीक है, तो इसको देखना है हमें। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा आंसर है कि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। प्रतिरोधकता मतलब जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई ये वायर है, ठीक है, इस वायर में आपके इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है, आपकी क्या हो रही, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही,
अब एक्चुअल में प्रतिरोधक क्या होते हैं कि इसके बीच में, ठीक है, कुछ ऐसे प्रतिरोध होते हैं जो इन इलेक्ट्रॉनों को बहने में दिक्कत करते हैं। तो तांबे के साथ में एक अच्छी चीज़ है कि भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, तो इसका प्रतिरोधकता बिल्कुल कम होती है। हालांकि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक आपका चांदी होता है, चांदी में इससे भी कम आपके प्रतिरोध होते हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ में एक चीज़ और ये भी याद रखिएगा कि किसी भी चालक में, ठीक है, ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता हमेशा बढ़ती है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, किसी भी चालक में जिसकी बात कर रहा हूँ उसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता भी बढ़ती है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके साथ में आप इसको भी याद रख लीजिएगा और आप कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि लोलक जो होता है उसकी कालावधि किस पर निर्भर करती है। देखिए लोलक की जो बात करते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है, लोलक की जो आवर्तकाल होता है ना, इस आवर्तकाल को हम कालावधि बोलते हैं, टी बराबर, ये फॉर्मूला होता है आपका 2π√L/g। आप इस फॉर्मूले को एनी हाउ याद रख लीजिए, सिर्फ इसी फॉर्मूले से आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें जो पूछा है उसको जहाँ रखना है और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे आने वाले क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर होंगे, जैसे कि पूछा है कि भाई लोलक की कालावधि निर्भर करती है, देखिए इसने पूछा है द्रव्यमान के ऊपर, तो आप इस फॉर्मूले में देखिए कहीं से कहीं तक m आ रहा है, बिल्कुल नहीं, तो हो ही नहीं सकता। दूसरा लंबाई के ऊपर, तो बिल्कुल सही है, देखिए यहाँ पर देखिए ये लंबाई है तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई कि सर क्या होगा कालावधि, हाँ भाई लंबाई बढ़ेगी क्योंकि ये दोनों इसके पैरेलल है, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, समय के ऊपर तापक्रम, तो ये दोनों चीज़ें आप इस फॉर्मूले में देख लीजिए, कहीं से कहीं तक ना तो टाइम आया है ना टेम्परेचर का कोई सिंबल आया है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका लंबाई के ऊपर, तो आप इस फॉर्मूले का जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती, सुस्त का मतलब होता है कि धीरे धीरे क्यों घूमने लग जाती हैं, बहुत लंबी या धीरे चलती हैं। देखिए लोलक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका पेंडुलम वाली घड़ी होती है ना, इसने लोलक घड़ियों की जो बात करी है वो है आपके घर में जो पेंडुलम घड़ियाँ होती हैं जिनमें वो चलती रहती है समय के साथ में, तो इसने पूछा है कि गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। देखिए आपको इतना पता होना चाहिए कि इसकी बात करते हैं कि गर्मी में क्या होता है कि जो आपका यहाँ वाला जो भी पदार्थ लगा है वो फैल जाता है, और अभी हम फॉर्मूले में देखे हैं, ठीक है, 2π√L/g कि भाई अगर इस L का मान बढ़ेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर T का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो भाई पहले मान लिया कि ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जा रहा था और अब इसका आवर्तकाल और लंबाई बढ़ गई तो पहले से यहाँ जाएगा और इधर यहाँ तक जाएगा, इसमें क्या होगा टाइम अधिक लेगा, तो इसमें सुस्त होने का मतलब होता है फिर धीरे धीरे चलेगा, ठीक है, टाइम अधिक लेगा मतलब फिर धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। चलिए तो इसमें यहाँ पर घड़ियाँ सुस्त क्यों हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा आपका ये वाला कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपका न्यूमरिकल्स है और आपके जो ग्रुप डी या NTPC की बात करें उसमें इसी टाइप के बहुत ईजी न्यूमरिकल होते हैं। समस्या होती क्या है बच्चों के साथ में कि जैसे कि आपके सामने न्यूमरिकल आया, उन्होंने देखा हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मैंने आपको अभी चीज़ कही है कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, आपका काम बेशक हो जाएगा। भाई इसने क्या कहा है कि लोलक की लंबाई 2% बढ़ रही है, तो यहाँ पर L का मान 2% मतलब 4% हो रहा है, तो यहाँ पर आप सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको रखना है 4, जब √4 रहेगा बाहर आके वो निकलेगा 2, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ये वाला कि 2% बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला मान रखना है और आपका आंसर कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। चलिए तो सबसे मेन चीज़ है इसके लिए कि एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका सिंपल सा आंसर वही रहेगा 332 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर आपके जो ध्वनि के ऊपर प्रभाव है कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, ध्वनि के प्रभाव की बात आई है तो किसी भी पदार्थ में, जैसे कि मैं बात करूँ ठोस और द्रव, इनके साथ ऐसा होता है, ये आप कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा कि अगर इन पदार्थों में घनत्व बढ़ता है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती सिर्फ ठोस और द्रव में, लेकिन गैस में इसका उल्टा होता है, अगर आपका जो घनत्व है वो बढ़ा तो चाल घट जाएगी, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, इन्होंने ये चीज़ पूछी है, तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है आपको कि इनके जो ध्वनि की चाल किस में कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो
तो इसका आंसर रहेगा आपका इस्पात स्टील में, ठीक है, स्टील में इसकी सर्वाधिक चाल रहेगी। अब हम इनके देख लेते हैं कि इसमें कितनी कितनी है। तो वायु में अभी हम पिछला हम देखा है, ठीक, पिछले क्वेश्चन में 332 मीटर प्रति सेकेंड। रही बात निर्वात की, तो निर्वात में गति ध्वनि चाल हो ही नहीं सकती क्योंकि उसको माध्यम चाहिए। रही बात जल की, ठीक है, तो जो जल में है वो आपके होती है, ठीक है, 1493 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये आपके आम जल की बात कर रहे हैं, ठीक है, समुद्री जल में और बढ़ जाती है। और इस्पात में तो इसमें लोहे से भी अधिक होती है, ये होती है 6420 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया कि 25 डिग्री या फॉर एग्जाम्पल 50 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक चाल किस में होती है, देखिए यहाँ से जो एक चीज़ याद रखिएगा कि ताप बढ़ाने पर भी जो ध्वनि की चाल है वो बढ़ जाती है ना, तो इसका आंसर हमेशा वही रहेगा, जिसमें अधिक है वही वाला इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो इसका आंसर है सतही तनाव के कारण, मतलब ए वाला सही है। तो इसकी जो बात करिए वो है एक्चुअल में आपका पृष्ठ तनाव। देखिए थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि पृष्ठ तनाव, ठीक है, किसी भी द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी भी सतह पर कम से कम फैलने का प्रयास करता है। मतलब अगर आप इस सतह पर, ठीक है, जल यहाँ पर ढोल रहे हो तो जो पानी चाहेगा कि वो हमेशा बूंदों के रूप में रहे और कम से कम फैले ना। तनाव सरफेस टेंशन, ठीक है, टेंशन मतलब उसको हमेशा टेंशन रहती है कि मैं क्या करूँ, कम से कम फैलूँ, तो हमेशा क्या कर रहा है, कम से कम फैलने का प्रयास करेगा। इसीलिए जब वह, ठीक है, ऊपर से नीचे गिरेगा तो हमेशा उसका गुण है कि कम से कम फैले, इसीलिए जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोलाकार होती है, ठीक है, तो यही रीज़न होगा आपके पृष्ठीय सतह तनाव के कारण, ठीक। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तेल के दीप की बत्ती में तेल के कारण किस कारण से ऊपर उठता है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका केशिकत्व के कारण, ठीक है। देखिए केशिकत्व की बात करें तो केशिकत्व एक ऐसा गुण होता है जिसमें कोई भी द्रव होता है किसी बिल्कुल एक केश आकार की जो नली होती है उसके सहारे उसमें ऊपर चढ़ता है, ठीक है। और आप नली की बात ना करें, यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे हम छिद्रों को भी ले सकते हैं कि छोटे छोटे जो छिद्र रहेंगे वो भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम तेल की दीप की बात करें या बत्ती में तेल की, तो उसमें होता ये है कि जैसे आपका दिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपका तेल भरा हुआ है, यहाँ पर आपकी जो बत्ती है उस बत्ती में इसे केशिकत्व के कारण यहाँ से तेल धीरे 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 इन छिद्रों के माध्यम से चढ़ता जाता है। यह हम बात करें आपका जो स्केच पेन होता है या बोर्ड पे चलाने वाला जो मार्कर होता है वो भी आपका इसी के थ्रू काम करता है, जिसमें उन बूंदों के माध्यम से आपका स्याही धीरे धीरे चढ़ती जाती है, ठीक है, ये आपका केशिकत्व। या जो आपके, ठीक है, जो पेड़ वगैरह होते हैं उनमें जो जड़ें होती हैं वो जड़ें इसी केशिकत्व के थ्रू क्या करेगी, आपके जो जल है उसको ऊपर ले जाएगी, ठीक है। तो केशिकत्व के आपके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये रहा कि श्यानता की इकाई है, तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है पाइजूली, है ना। तो ये क्वेश्चन वही वाले हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको मात्रक सीधे सपाट याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद पास्कल की बात करते हैं, तो पास्कल आपका दाब का मात्रक होता है, रही बात पाइस, तो इसका नहीं होगा, ठीक है, तो आपका पास्कल भी नहीं होगा, पाइस भी नहीं होगा, पाइजूली। श्यानता की बात करेंगे और श्यानता में आपको बता चुका हूँ श्यानता क्या होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है केल्विन मान शरीर का सामान्य ताप है, मतलब देखिए ताप मापने की बहुत सारी इकाई है, जैसे कि हम डिग्री सेल्सियस की बात करें, ठीक है, र्यूमर की बात करें, फेरेनहाइट की और केल्विन की, ठीक है। तो केल्विन की बात पूछी उसने कि केल्विन में हमारे शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो वो होता है 310 केल्विन। अगर यही बात मैं करूँ कि डिग्री सेल्सियस में, तो वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और फेरेनहाइट की बात करें तो 98.6 फेरेनहाइट, ठीक है। र्यूमर अब तो पैमाने में बंद हो गया, तो इसका तो आपसे पूछ भी नहीं सकते। साथ में दो चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ये भी होता है, ठीक है, और केल्विन में 310 तो है ही सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें आपके सामने कि कितना तापमान पाठ्यांक सेल्सियस पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापी एक ही होंगे, इनके दोनों के मान बराबर होंगे। तो यहाँ ये न्यूमरिकल है, इस न्यूमरिकल के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला जो सेल्सियस और फारेनहाइट में संबंध बताता है, जैसे कि जो फॉर्मूला है वो ये है कि डिग्री सेल्सियस माने 0/100, ठीक है, बराबर एफ, ठीक है, -32/180। मतलब जो फारेनहाइट होता है उसमें, ठीक है, 32 की बात करते हैं, तो जो 32 डिग्री है यहाँ पर पानी जम जाता है और इसमें भी जम जाता है। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं, आपको ये 40 डिग्री का मान रखना है, ठीक है। तो जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, यहाँ पर मैंने रखा -40, ठीक है, और बटे 100, और यहाँ पर मैं माइनस
ठीक है, 40 माइनस 32 बटे रखूँगा 180, ठीक है। तो ये आपका 40 बटे 100 ठीक है इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस ठीक है 72/180, ठीक है। और अगर आप इसको काटने जाएंगे ठीक है तो 9 से 9 आठ 72 ठीक है, और 9 दुनिया 18 8/20, और यहाँ पर भी अगर आप 5 से काटने गए ठीक है तो 5 8 40 और यहाँ पर 20 ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखने जाएंगे तो लगभग ठीक है, अगर या इसको मैं बात करूँ ऐसे कि अगर आप इसको ऐसे निकालने गए ठीक है धीरे धीरे, तो एक्चुअल में ये मान क्या होंगे आपके यहाँ पर ठीक है धीरे धीरे बराबर आ जाएंगे, या इसे कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा कि उसमें एक्चुअल बराबर आपके मान आ जाएंगे 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल है कि यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए ठीक है तो संपूर्ण प्रतिरोध आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ है समानांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। मैं आपको बता देता हूँ कि जो श्रेणी क्रम होता है उसमें आपकी जो चीज़ें हैं जैसे कि ये है, तो इसमें श्रेणी क्रम में कुछ चीज़ें ऐसे जोड़ी जाती है ठीक है, जो सर्किट हैं उसमें आपके यहाँ पर कुछ ऐसे जोड़ी जाती हैं, तो श्रेणी क्रम में आपके कुछ ऐसे जोड़ते हैं R1, R2 और R3। तो अगर आप में इसमें आपको ओवरऑल प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर क्या होगा श्रेणी क्रम में R1 + R2 + R3। लेकिन यही अगर समानांतर क्रम की बात करें ठीक है तो यहाँ समानांतर क्रम में कुछ ऐसे आपके जुड़े होते हैं ठीक है, ये यहाँ पर आपके प्रतिरोध कुछ ऐसे जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर भी R1, R2 और R3, लेकिन इसका लिए जो मान रहेगा वो कुछ ऐसे निकालता है कि 1/R बराबर ठीक है 1/R1 ठीक है 1/R2 + 1/R3। तो बस आपसे पूछा है समानांतर वाला, तो आप इसमें अपना मान रखिए, तो 1/R निकालना है आपको, तो यहाँ पर ठीक है एक 3 का है और एक 6 का है ठीक है, तो अगर आप सोल्व करेंगे तो 6 से आएगा यहाँ पर ठीक है ऊपर आएगा 2+1 मतलब 3/6, तो ये आ गया 1/2। तो 1/R का मान आपके 1/2 आया है, तो R बराबर इक्वल टू 2 ठीक है, तो आपका ये वाला यहाँ पर सही होगा ठीक है। पिछले क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स हो गई है शायद, तो उसे एक बार आप सोल्व करिएगा, लेकिन ये फाइनल है कि वहाँ पर 40 डिग्री पे आपका वो बराबर हो जाएगा -40 पे ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं पिछले क्वेश्चन की, शायद इसमें कुछ मिस्टेक्स होता आप इसे एक बार करिएगा, ये 40 पे इसको सही है, शायद मुझे यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गई ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल्स टाइप का है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि किसी भी समतल दर्पण में एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम उस व्यक्ति की आधी लंबाई का तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ठीक है इतनी हाइट के हैं तो कम से कम आपका दर्पण आपकी आधी लंबाई का होना ही चाहिए ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई, तो वो होगा 1.5 मीटर का आधा, और इसका आधा आपका है बी 0.75 मीटर, ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा आँखों से रिलेटेड है कि जब तेज प्रकाश से अचानक अंधेरे में प्रविष्ट किया जाता है तो कुछ समय तक कुछ भी नहीं दिखता ऐसी स्थिति में ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ये वाला कि आयरिस सिकुड़ जाता है। उसका रीज़न ऐसा होता है कि देखिए आपकी आँख में जो बीच में काले कलर का गोला होता है वही आपका आयरिस होता है ठीक है। आपकी आँख में सफ़ेद जिसमें हम देखते हैं और जिसको हम घुमा पाते हैं, वही पूरे काले कलर का जो गोला होता है वो आयरिस होता है, और इसके बीच में एक डॉट होता है उसे बोलते हैं हम पुतली है ना। तो जैसे ही हम अगर तेज प्रकाश से अंधेरे प्रकाश प्रवेश करते हैं तो आपका जो पूरे काले कलर का गोला होता है एक्चुअल में इसका आकार थोड़ा सा छोटा हो जाता है, क्योंकि इसका एक रीज़न होता है कि जैसे अंधेरे में आता है तो इसको फोकस सेट करने के लिए अपना आकार छोटा करना पड़ता है। पर आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद हमें धीरे धीरे अच्छे से दिखने लग जाता है, क्योंकि ये अपना आकार छोटा करके उस फोकस को सेट कर लेता है ठीक है। तो कुछ भी नहीं दिखाई पाता है क्योंकि आयरस सिकुड़ जाता है। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका रीज़न है परावर्तन व अपवर्तन की घटना। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें इंद्रधनुष की बात करी तो हम थोड़ा इंद्रधनुष पे आते हैं कि जो आपका जो इंद्रधनुष होता है वो एक्चुअल में जो कैसे बनता है, तो देखिए ये अक्सर आपका तब बनता है जब बारिश हो रही हो और आपका सूरज भी निकला हो, उस दौरान इन पानी की बूंदों से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है ठीक है, तो उसमें होता ही है कि जब दो बार आपका अपवर्तन हो ठीक है, क्या हो, दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन हो जाए
तब आपका बनता है इंद्रधनुष। ठीक है, इसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। दूसरा भी होता है जिसमें दो बार परावर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो मेन चीज जो कॉन्सेप्ट है वो वाला है परावर्तन अपवर्तन, दोनों घटनाएं होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के थ्रू आपको क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष। तो यहाँ पर जो कॉम्पैक्ट डिस्क है ना, जो सीडी होती है आपकी डीवीडी में लगाने वाली, उसकी बात कर रहे हैं हम, सीडी वो चमकीली दिखाई देती, वो इसी रीजन से दिखाई देती। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका हीरे से कांच में। ठीक है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ पर, कि बहुत सी बार क्या होता है जब प्रकाश, हमेशा याद रखिएगा, सघन से विरल में जाना चाहिए। ठीक है, सघन से विरल में ही आपके प्रकाश जाना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। बहुत सी बार जब प्रकाश इधर आता है तो सघन से विरल जाने पर वो क्या होता है, इस अभिलंब से दूर हटता जाता है। और अगर आपने जैसे जैसे आपतन किरण को और इधर किया, ठीक है, मान लिया कि और इधर किया, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जो प्रकाश किरण इधर ना जाकर सीधा इधर निकलने लग जाती है, मतलब सघन से सघन में ही आपका क्या करने लग जाती है, वो परावर्तित होने लग जाती है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, आपका सघन और विरल माध्यम, मतलब सघन से विरल जाना चाहिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब आपकी क्या जाएगी, वो सघन से विरल में। ठीक है, तो यहाँ पर सघन से विरल में सिर्फ एक ही आंसर देख रहे हो, क्योंकि हीरे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हीरे की सघनता कहाँ से अधिक होगी, बाकी सारे विरल से सघन में, ये भी विरल से सघन और विरल से सघन में जा रही है सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मृग तृष्णा उदाहरण है, तो ये भी आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, मृग तृष्णा वो होती है जिसमें, या हम अभी की बात कर लेते हैं, मृग तृष्णा तो आपको शायद थोड़ा टिपिकल वर्ड लगे, जैसे कि अभी आप गर्मी के दिन हैं तो अभी आप देखिएगा कि आपको सड़क पर जो पानी दिखता है दूर से, ठीक है, और आप जब पास में जाते तो कोई पानी नहीं दिखाई देता है, वो भी एक मरीचिका भ्रम ही है और मृग तृष्णा ही है, वो भी आपका बेस्ड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्केप भी आधारित है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बेस पर ही आधारित होती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऐसा होता है कि जब अगर आपने उस शरीर में कोई नली डाली है तो प्रकाश इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ठीक है, टकराता हुआ, आसानी से इसे टकराते हुए जहाँ इसको भेजना है हम वहाँ पर भेज सकते हैं, क्योंकि अगर हमें शरीर में कोई नली उतारनी है तो वो सीधी तो जाएगी नहीं, उसको हमें टेढ़ा करके जिस भाग में जिधर ले जाना है वैसे ले जाना पड़ता है, तो फिर उसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही काम आता है, जो आसानी से टकराते टकराते जिस भाग में आपको ले जाना है वहाँ तक यहाँ से पहुँच जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि, तो इसका आंसर है कि वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये कुछ ऐसा है कि एक आपको इतना पता होना चाहिए कि जो वायु होती है, ठीक है, वो एक्चुअल में ऊष्मा की कुचालक होती है। अब जैसे अगर हम ऊनी कपड़े पहनते हैं तो उस दौरान होता क्या है कि हमारा शरीर का तापमान तो चाहे ठंड हो गर्मी हो 37 डिग्री के सेल्सियस के आसपास बना रहता है, और ठंड लगने का रीज़न है हमारे ऊपर बाहर से ठंडी हवा आना। अगर जब आपने, ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हम इस साइड हैं, ठीक है, और बीच में आपके कपड़ा है और इधर से आ रही है ठंडी हवा, तो यहाँ पर ये एक्चुअल में करता क्या है कि जो कपड़ा है और ये आपका शरीर है उससे निकलने वाली जो बीच की ऊष्मा है ये आपके यहाँ पर एज ए लेयर के रूप में काम करने लग जाती हैं, और ऊष्मा की कुचालक तो ठंडी हवा को अंदर आने ही नहीं देती है और गर्म हवा को भी बाहर नहीं जाने देती है, और आपकी एक लेयर बन जाती है यहाँ पर पूरी गर्म, जो आपको हमेशा गर्म बनाए रखती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर ले जाया जाता है तो इसका क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी समझने वाला है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप, कि इसका जो आंसर होगा कि इसका भार बदल जाएगा द्रव्यमान में। तो आप बोलोगे कि सर ये क्या चीज़ हुई, भार और द्रव्यमान भी अलग होते हैं। तो देखिए ये एज फिजिक्स की लैंग्वेज में भार और द्रव्यमान दोनों अलग होते हैं। कैसे, देखो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि जो भार है वो आपकी सदिश राशि है, ये याद रखिएगा, ठीक है, और जो आपका द्रव्यमान, ठीक है, वो आपकी है अदिश राशि। ठीक है, और भार को हम इसको वेट से दर्शाते हैं, इसको मास कहते हैं हम। अब देखिए जैसे कि अगर हम, हमारा जो भार है वो हमेशा नीचे की ओर केंद्रित होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का भार उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है, तो ये हमेशा नीचे की ओर लगता है, इसकी एक दिशा है, मतलब ये सदिश। बाकी द्रव्यमान को एज ए फिक्स कर दिया जाता है हमेशा, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारा वजन अगर 60 किलो है पृथ्वी पर, ठीक है, और चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा पे गए तो कितना होगा आपका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1/6 मतलब चंद्रमा पे हमारा भार 10 किलो हो जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान है वो किसी भी एक पिंड पर हमेशा फिक्स कर दिया जाता है, वो हमेशा हमारे लिए 60 ही रहेगा।
ठीक है। और ये 60 रहेगा चाहे आप बुध पे चले जाओ, शुक्र पे चले जाओ, दुनिया में किसी भी जगह चले जाओ, आपका वजन 60 ही फिक्स रहेगा। ये इसलिए फिक्स किया जाता है द्रव्यमान को यहाँ पर, क्योंकि फिजिक्स में जो थ्योरी वगैरह हमें कुछ सोल्व करनी होती तो उस बेस पे हमेशा फिक्स किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला और अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज का कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है। देखिए तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ठीक है। देखिए आमतौर पर अगर आप लिफ्ट में अगर उतरते हो और चढ़ते हो तो आपको कोई भार तेज़ी से फील नहीं होता है, लेकिन अगर जैसे अगर ये स्पीड से ऊपर गई तो फिर आपको अपना वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आपका कभी अगर आप मेले में उस बड़े रेट के झूले में बैठे होंगे तो आप जब यहाँ से इस तरफ जाते हैं तो आपको कोई डर नहीं लगता, अच्छा फील होता है, लेकिन जब आप इस जगह से यहाँ पर आते हैं उस झूले में तो आपको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। रीज़न ऐसा होता है कि यहाँ से नीचे उतरते समय आपका त्वरण अचानक बढ़ जाता है और नीचे आते समय आपका क्या होता है, यहाँ पर भार तेज़ी से कम होने लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर आप ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उस गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चढ़ रहे हैं, तो इस कारण से आपका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उस रेट में आपका अधिकतम भार यहाँ और न्यूनतम इस जगह होता है। तो लिफ्ट में भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप तेज़ी से उसको ऊपर ले गए तो आप क्या कर रहे हैं, नीचे से लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है जिसको खींच रहा है आप उसके विरुद्ध ले जा रहे हैं, तो इससे आपका क्या होगा, भार बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको पहले गुरुत्वाकर्षण बल ऑलरेडी नीचे खींच रहा है और आप उसके साथ साथ में नीचे आ रहे हैं तो फिर आपका भार क्या होगा, कम हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों आज हमने लगभग 50 क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी पसंद आए होंगे, क्योंकि हमने यहाँ 50 क्वेश्चन के साथ में लगभग ये मान के चलिए कि 150 प्लस चीज़ें हमने या क्वेश्चन समझ लिए होंगे। अगर आपको ये बिल्कुल पसंद आता हो तो हमें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप फिजिक्स के इस क्वेश्चन में डिमांड में क्या क्या चाहते हैं, आप स्पेशल किस चैप्टर पर चाहते हैं, आपको क्वेश्चन में क्या टाइप चाहिए, जो भी सुधार चाहिए या अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इसके साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी इसको ज़रूर कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।